डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग लेसन 13 करते हैं। इससे पहले कि मैं एक दफ़ा और रिपीट कर दूं, इंटरफेस जो आप कॉरलडो के सामने है आपका, तो ये टाइटल बार कहलाता है, आपका ये मेनू बार कहलाता है, और ये फॉर्मेटिंग बार, ये आपका प्रॉपर्टी बार, और आपका ये टूल बॉक्स, ये रूलर लगा हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर, आपका ये कहलाता है कलर पैलेट्स, और आपका ये टास्क बार जो हमेशा आपके सामने रहता है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले सर्किल बनाते हैं। जैसे आप बहुत कुछ सीख गए, अब ये हमें नहीं बताना कंट्रोल दबा के, बस ये सर्किल बनाइए आप गोल सा। सर्किल बनाया हमने और एक सर्किल उसके अंदर बनाया। और इसका छोटा वाला को बाहर हमने एक डुप्लीकेट लिया। इस तरह करने के लिए दोनों सर्किल को हमने फिल कर लिया। ये फिल किया ब्लैक, वाइट वाला को छोटा वाला सेलेक्ट, वाइट फिल किया। ये ज़रा सा हमने ऊपर किया डिज़ाइन को। यहाँ से हमने पाम को लिया एडजस्ट करने के लिए, पेज को इस तरह एडजस्ट किया। अब इस तरह हाफ करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं वाइट वाले के ऊपर। ये रेक्टेंगल कहीं भी बना लीजिए आप, इतना चौड़ा देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे इतना चौड़ा बना हुआ है, इसको फिल कर लीजिए। ये विदाउट फिल रखिए, जस्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट, ये वाइट वाला सर्किल शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करते हैं, अलाइन आते हैं सेंटर एंड सेंटर, अलाइन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन में आए एंड अप्लाई, ये ऑटोमेटिक बीच में आ गया, दोनों सेलेक्टेड है। और आप ट्रिम कर लीजिए यहाँ से, ट्रिम होने के बाद ये दो सर्किल आपका हो जाएगा इस तरह। ये बहुत छोटा सा जगह, इसका ये कितना बड़ा, कंट्रोल जेड करके हम दोबारा करते हैं। कंट्रोल जेड किया, इसको कहीं भी रखिए, इस सर्किल को बड़ा करते हैं ज़रा, इस तरह हमने बड़ा किया। अब इसको हमने और थोड़ा सा पतला कर लिया, ये शिफ्ट दबा के वाइट वाले को सेलेक्ट किया, अलाइन में आए, अलाइन सेंटर सेंटर ऑलरेडी है, अप्लाई दोनों सेलेक्टेड है, यहाँ से ट्रिम किया। अब इसको हमने हटा दिए, यानी डिलीट कर दीजिए, कोई काम नहीं इसका। टेक्स्ट लिखा जो भी है, टेक्स्ट हमने टेक्स्ट लिया, द स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ, इंटर किया, वो भी कैंपस मेस को भी लिख लिया। नीचे वाले को भी लिख लिया हेल्थ केयर। इसका फॉन्ट छोटा कर लिया हमने, सिलेक्शन में रहते हुए हमने दे दिया 8-7 दे दिया इस तरीके से, यहाँ पे लाया ये वाइट वाला, और ये बिल्कुल सेम कर लीजिए यहाँ पे रख के, क्योंकि हमने बढ़ाया था इसको, नहीं बढ़ाया था इसको, हमने सेम कर लिया। ये तकरीबन आउटलाइन से देख लेते हैं, तकरीबन बराबर है, यहाँ पर रखा।
टेक्स को सिलेक्ट किया ब्रेक या पार्ट किया अरेंज में आकर इस सेंटर को इस सर्कल का सेंटर लिया हमने ये गाइड्स को हटाने के लिए एडिट सेलेक्ट ऑल गाइडलाइंस एंड डिलीट किया। इस सर्कल का सेंटर निकालने के लिए सेंटर पॉइंट एक गाइड लगाया अगेन सेलेक्ट इधर से भी गाइड लगाया ये हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट और इस सर्किल को भी सेलेक्ट किया टेक्स्ट फिट टेक्स्ट टू पाथ किया। अब इसको रखने के लिए आप अंदर है अंदर की तरफ अगर है तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से डाउन कीजिए हमने डाउन किया थोड़ा सा अरेंज में आइए ब्रेक पार्ट कीजिए। अब इसको क्योंकि सर्किल हमारा वाइट का सेम है हमने यहाँ रखा इस तरह का इसका भी सेंटर पॉइंट ले लीजिए रखने में आसानी होगा हमने ये गाइड लगा कर ले लिया है ये बिल्कुल ये सेंटर में है थोड़ा सा इधर आएगा राइट की तरफ राइट किया हमने। ठीक उसी तरह हेल्थ केयर को भी किया सेलेक्ट किया अगेन टेक्स फिट टेक्स टू पाथ किया ये नीचे चाहिए तो प्रॉपर्टी बार में आइए यहाँ से नीचे कीजिए। अब यहाँ ये उल्टा है जबकि ये डिजाइन आपका सीधा है इसको सीधा करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कीजिए सीधा हो जाएगा। अंदर की तरफ लेना है इसको ऊपर की तरफ कीजिए ब्रेक अपार्ट कीजिए अरेंज ब्रेक अपार्ट ये हमने इसको भी यहाँ रखा। अब ये बहुत आसान है आप यहाँ रख लीजिए बड़ा है बड़ा कर लीजिए बोल्ड है बोल्ड कर लीजिए वाइट कलर दे दीजिए इसको वाइट कलर बड़ा कर लिया हमने। इस तरह ये पहला डिजाइन आपका हो गया सबको सेलेक्ट किया अरेंज एंड ग्रुप इस सर्किल का अब कोई ज़रूरत नहीं है या इसको कर लीजिए एक सर्किल इसको भी बनाइए हमने थोड़ा सा बड़ा किया और एक वाइट वाला भी बनाइए अंदर की तरफ लीजिए या थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। वाइट सर्किल बनाने के लिए शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ ड्रैग किया माउस का राइट बटन दबाया वाइट फिल कीजिए वाइट फिल किया इसको ब्लैक फिल किया ये बिल्कुल वाइट है। बॉर्डर लाइन हटाने के लिए राइट क्लिक कीजिए ब्लैक पे इसको भी वाइट पे राइट क्लिक कीजिए माउस बटन इसको चाहे तो आप लॉक कर दें इसका सेंटर पॉइंट ले ले पहले हमने ये गाइड को हटाइए पहले पहले वाले गाइड को सेलेक्ट ऑल गाइड्स एंड डिलीट इसका भी सेंटर पॉइंट लीजिए गाइड लगाया सेलेक्ट गाइड लगाया इन दोनों को सेलेक्ट ग्रुप करके लॉक कर देते हैं अरेंज ग्रुप अरेंज लॉक ऑब्जेक्ट। अब आपको इधर उधर ये नहीं मूव कर पाएगा। अब ये डिजाइन बनाने के लिए हमारा सेंटर पॉइंट एक हमने रेक्टेंगल बनाया इस तरह से इसको सेंटर पॉइंट में कीजिए ये सेंटर आया जूम कर लेते हैं यहाँ से अरेंज में आते हैं कन्वर्ट टू कर्व ए लाइन को किया हमने शेप टूल लिया इस तरह बनाने के लिए इसको ज़रा से ऐसे मूव कर लीजिए
इसको यहाँ से मूव कर दीजिए। अब बिल्कुल ये सेंटर में होना चाहिए। अब इसको बनाइए। इसको बनाने के बेजर लगाते हैं। बेजर लगाया, बेजर कहाँ कहाँ है देखिए, एक यहाँ से है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर जस्ट इसका अपोजिट कीजिए जैसे जैसे लगा है। इस तरह हमने बेजर लगाया। इसके बाद और जूम करते हैं, जैसे जैसे डिजाइन था वैसे कर्व कर लेते हैं। कर्व लिया, ये जरा से कर्व है, ये भी कर्व है, इसको भी हमने उसी तरह बना लिया। ये आप जितनी अच्छी शेप दे आपके ऊपर है। जूम पे क्लिक, माउस बटन राइट क्लिक, अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये होने के बाद ये बना थी ये डिजाइन। ये डिजाइन बनाने के लिए वेजर लिया, जैसे इसके डिफरेंस में है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ से कर्व है जस्ट यहाँ से, तो हम यहाँ पे क्लिक किया आर एक, यहाँ पे क्लिक किया आर एक, यहाँ पे क्लिक किया, जैसे इस तरह। सेप टू लेते हैं, पहले इसी को मॉडिफाई के लिए जिसको कर लीजिए आप, कर्व लिया, ये हमने इस तरह किया। कंट्रोल पकड़ के जितना सेट कर सकते हैं कर लीजिए, गोल सा हो जाएगा ये। जितना अच्छा सेट कर लीजिए आप, ये हल्का सा कर्व में है, इसको कर्व कर लीजिए, ज़रा सा कर्व कर लीजिए, ये हमने यहाँ से कर्व किया ऐसे, ये भी कर्व में है, इसको हमने कर्व किया। ये होने के बाद टेक्स्ट लिखा, डिस्कवर है एट द रेट ऑफ ST, टेक्स्ट लिया, डिस्कवर कर दिए हमने। यहाँ डिस्कवर है, कोई कोई नहीं टेक्स्ट लेना आपको, जैसे इस तरह कैसे बनेगा, ये डिजाइन कैसे बना हुआ है, तो जस्ट इसका ये मोटा में है, इसका भी फॉन्ट चेंज कर देते हैं हम, एरियल ब्लैक किया, उसी साइज में देख लेते हैं कितना बड़ा है और छोटा होगा। 24 है फॉन्ट साइज, हमने 16 कर दिया, तकरीबन इसके बराबर है। आप इसे ड्रैग करके बराबर कर लीजिए। जूम थोड़ा सा छोटा किया हमने, यहाँ पे रखा, जहाँ रख लीजिए थोड़ा सा हमने ऊपर कर लिया। ये डिजाइन लगाने के लिए टेक्स्ट को हाँ सेलेक्ट कीजिए, टूल बॉक्स से कंटूर को लगे, कंटूर इंटरेक्टिव कंटूर, जस्ट हल्का सा, बहुत हल्का सा ड्रैग करना, इस तरह का छोड़ देना। आपको छोड़ने के बाद दिखाई नहीं देगा, यहाँ से कलर फिल कीजिए, राइट क्लिक कीजिए ब्लैक का, ये आ जाएगा। इसका फॉन्ट साइज देख लीजिए, हल्का है, यहाँ भी पतला है, तो सिलेक्शन में रहते हुए यहाँ से देखिए आउटलाइन फिल हो रहा है कि नहीं। आउटलाइन आपका ये हाफ है, ये वन कीजिए, वन हो गया, ये डीप हो जाएगा। इस तरह ये डिजाइन आपका रेडी हो गया। इसको भी ग्रुप कर लेते हैं, अरेंज में आके सिलेक्शन के बाद ग्रुप कर लेते हैं। ये डिजाइन बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग बहुत डिजाइन कर चुके होंगे। ये हमने गाइड को सेलेक्ट किया एंड डिलीट किया।
इसका एक दो तीन सर्किल बनाते हैं। इस तरह हमने शिप दबाकर दो सर्किल आर बना लिया। इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं गाइड लगाकर। ये चाहे तो अभी फिल कर लें जो अंदर में, तो इसको हमने छोटा वाले सर्किल सेलेक्ट, ब्लैक फिल, फाउंटेन फिल में आ जाइए, लीनियर को बदल के रेडियल कीजिए, ओके कीजिए, इस तरह फील हो जाएगा। ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको जूम करते हैं ज़रा सा, बेजियर लिया, जस्ट सामने रखी ऊपर वाला डिज़ाइन का ये है ये। तो एक गाइड और लगा लेते हैं यहाँ पे, आपको हेल्प मिल जाएगा। यहाँ गाइड लगाया हमने, ये ऑलरेडी सेंटर में, और एक उसके नीचे में लगा इस तरह। थोड़ा सा आप और कम कर दिए गाइड को, कंट्रोल जेड किया हमने, गाइड को थोड़ा सा इधर किया और इसको भी थोड़ा सा ऊपर किया। अब इस तरह बनाने के लिए बेजियर लेते हैं, जैसे जैसे क्लिक वैसे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया जस्ट यहाँ पे, फिर इसके ऊपर, फिर उसे नीचे डाउन उसी पॉइंट पे, फिर इस तरह, फिर यहाँ पे, यहाँ कर्व है तो इसीलिए यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, और एक पॉइंट ये बिल्कुल नोट्स में मिलना चाहिए, नोट पे जूम किया हमने। शेप टूल से मॉडिफाई करते हैं, बीच वालों का हमने नोट यहाँ कर दिया, नीचे डिजाइन को देखिए, कर्व नीचे में है, दोनों कर्व नीचे में, हम दोनों कर्व नीचे कर लेंगे शेप टूल के जरिया। ये सेलेक्ट किया कर्व के जरिए, इसको हमने नीचे की तरफ कर्व किया, इसको भी नीचे की तरफ कर्व कर दिया हमने, इसको भी। अगर इसमें बिल्कुल सर्किल में मैच करना है तो कर्व करने पड़ेगा, इसको भी मैच इसमें कराइए इस तरह। इस डिज़ाइन को बनाने क्लिक कीजिए यहाँ पे, इसको सीधा कर लीजिए किसी लाइन पे, क्लिक कर लीजिए, देखिए किधर का है, इधर का है, कहीं का भी हो, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, कर लीजिए ये, इसको कंट्रोल पकड़कर आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे जो भी है। इसमें कलर कुछ भी भरा जा सकता है, जैसे आपने ये फिल किया, इसके अलावा बहुत सा कलर आता है, बिल्कुल कोई भी था, हमने जो कलर है डिज़ाइन में वो कलर भरिए, या नो कलर है तो नो कलर कीजिए। अभी वाइट वाला बनाने के लिए वाइट डिजाइन है, यहाँ से बेसिक शेप से देखिए किस में है, इसमें क्या है, ये जैसे आपका बेसिक शेप प्रॉपर्टी बार से चेक कीजिए ये डिज़ाइन है कि नहीं, इस तरह ये नहीं है, फिर हमने बदल लिया, इस शेप में आ गए, फ्लो चार्ट में आ गए, यहाँ देखिए ये वाला है, ये वाला है, तो हमने यहाँ हल्का सा ये बना लिया। इसको भी जूम आउट कर लेते हैं, फिल किया वाइट, राइट क्लिक, वाइट हो गया बिल्कुल। कॉपी करने के लिए ड्रैग करके माउस का राइट बटन दबाइए, कंट्रोल डी, बहुत सारा बन जाएगा, सबको सेलेक्ट, इसको हमने एडजस्ट किया। अब ये डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत ही आसान है,
कोई एक बन जाएगा तो दूसरा आसानी से बनेगा, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी गाइड यहाँ पे है, तो गाइड को ज़रा सा हम चौड़ा है ये, हम इसको ऊपर कर लेते इस गाइड को, और इस गाइड को भी ये सेंटर में हमारा बेजर लिया। जैसे जैसे क्लिक किया, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, आपको यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ क्लिक है, फिर यहाँ पे है, फिर ये ऐसे बना हुआ है, फिर यहाँ पे है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक है, बिल्कुल नोट्स पे होना चाहिए। आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए जूम करके, शेप टूल, इसको कर्व कर लीजिए, बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, हल्का सा कर्व कीजिए, बिल्कुल मैच कर जाएगा सर्किल में। कंट्रोल जेड अगर ख़राब होता है तो इसको एकदम बिल्कुल ठीक कर लीजिए, ये दोनों बराबर नहीं तो बराबर कर लीजिए, ये डाउन में है थोड़ा सा डाउन कीजिए, ये डाउन में, राइट क्लिक, इसमें भी कलर फिल हो सकता है, नहीं है फिल मत देखिए, यहाँ से हमने नो फिल किया। इधर करने के लिए कंट्रोल दबाकर बाएं तरफ ड्रैग कीजिए, राइट क्लिक, और माउस का राइट बटन दबाइए, इस तरह बन जाएगा, डुप्लीकेट लीजिए, बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब ये हैप्पी दिवाली लिखिए, टेक्स्ट हमने लिखा, एंटर, फ़ॉन्ट को छोटा किया और छोटा कर लीजिए, 12 कर लीजिए, मोटा में बोल्ड कर लीजिए, दोनों का हमने ब्रेक अपार्ट कर दिया, ये बड़ा वाला सर्किल सेलेक्ट, मूव करके देखते हैं, बड़ा सेलेक्ट है, हैप्पी को भी शिफ्ट दबा कर सेलेक्ट किया, सेम कमांड टेक्स, फिर टेक्स टू पाथ ऊपर की तरफ आया, ठीक उसी तरह बड़ा सर्किल सेलेक्ट, दिवाली शिफ्ट दबा कर सेलेक्ट, अगेन टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको नीचे लेने के लिए यहाँ पे आइए और ये नीचे की तरफ, ये उल्टा है जबकि इसमें इधर से सीधा है, इसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए, अंदर चला गया, इस यहाँ से आप डाउन कीजिए, इस तरह आपका ये डिज़ाइन रेडी हो गया। इस डिज़ाइन को करने के लिए एक दो सर्किल बनाते, एक तीसरा सर्किल, इसमें भी तीन सर्किल है, हमने तीन सर्किल बनाया, इस तरह हमने तीन सर्किल शिफ्ट दबा के बना लिया। जो कलर है फिल कीजिए, ये बिल्कुल नीचे वाला पहले ब्लैक है, ये ब्लैक फिल किया, कलर चेंज किया, नहीं दिखाई दे रहा, हमने कलर चेंज किया, बाद में हम कलर चेंज कर लेंगे। फिर इस सर्किल को हमने सेलेक्ट किया, ये क्या है, वाइट है, हमने वाइट फिल किया, फिर ये वाला ब्लैक है, छोटा वाला ब्लैक, छोटे वाला को हमने ब्लैक फिल किया, अब इसको ब्लैक कर लेते हैं, इसका भी सेंटर पॉइंट लेते हैं, इसको अभी हम नो फिल करते हैं, ये वाइट फिल नो फिल किया ताकि सेंटर पॉइंट दिखाई दे। जितने गाइड है हटाने के लिए एडिट, सेलेक्ट ऑल, गाइडलाइंस एंड डिलीट, सर्किल सेलेक्ट, हमने गाइडलाइन लगाया, सर्किल सेलेक्ट, इधर से भी गाइडलाइन लगाया,
ये डिज़ाइन देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स में कहाँ मिलता है आपको। पहले बेसिक से में चेक करते हैं, प्रॉपर्टी बार से यहाँ पे है। तो इस तरह हमने इसके ऊपर बनाया, या कहीं भी बना लीजिए इस तरह बना, इसके साथ में देख के बना लीजिए। अब देखिए इसमें तीन वैसा बना हुआ, तीन हम जूम किए, थोड़ा बड़ा किए इसको, ये ब्लैक फिल है, ब्लैक फिल किया हमने। या अभी फिल मत कीजिए, आप पहले और एक बनाइए, शिफ्ट दबा के बनाते हैं। अब इसको हमने ब्लैक फिल किया, इसको वाइट फिल किया, इसको वाइट और बड़े वाले को ब्लैक। फिर इसमें बनाइए एक छोटा, शिफ्ट दबाकर इसको ब्लैक फिल कर दीजिए। इस तरह ये डिजाइन बना हुआ आपका, ये छोटा सा है, छोटा कर लीजिए इस तरह। सबको सेलेक्ट, अरेंज, ग्रुप किया, और छोटा करना, और छोटा कर लीजिए। जूम से बाहर आइए यहाँ पे, ठीक इस सर्किल के सेंटर पर गाइड पर रखा, हाफ थोड़ा सर्किल पे कटे इस तरह, या थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, बड़ा है। जूम करते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, रोटेशन पॉइंट को सेंटर में रखिए, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ये रोटेट कीजिए, माउस का राइट बटन दबाइए, आन कंट्रोल डी कीजिए, अगेन अगर हट जाता तो अगेन इसको हम करते हैं, माउस का राइट बटन, कंट्रोल डी करते जाइए, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। सारे को सेलेक्ट करते हैं, जूम से बाहर आते हैं, सारे डिजाइन सेलेक्टेड है। अरेंज में देखिए कंबाइंड नहीं हाईलाइट है, तो इसको अनग्रुप करेंगे, अगेन अरेंज में ये कंबाइंड करेंगे, उसी सारा बन जाएगा। तो इस तरह आपका आज 13 लेसन कंप्लीट हुआ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल को प्रेस जरूर करें, और एक कमेंट जरूर लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। आज तक के लिए बस इतना ही है, थैंक यू।